फरीदाबाद के सेक्टर 15 में फायर ब्रिगेड स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया। फायर स्टेशन के ऑफिसर का कहना है कि इस तरह का मॉक ड्रिल हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश पर किया जाता है। अधिकारी और कर्मचारियों को आग बुझाने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें ये बताया जाता है कि अगर कहीं आग लग जाए तो उसे किस तरीके से बुझाने की प्रक्रिया कर सकते हैं, किन हालातों में आग पर काबू पाया जा सकता है। फायर स्टेशन के ऑफिसर के मुताबिक फरीदाबाद में फायर ब्रिगेड के 4 स्टेशन हैं और 2 नए बनकर तैयार हैं। उन्हें जल्द ही संचालित किया जाएगा। उनमें जाके अवेयरनेस करते हैं लोगों को कि आग पर आग से कैसे बचा जा सकता है और कैसे हमें नुकसान को कम किया जा सकता है। अभी हमारा जो स्लोगन था, भारत सरकार ने जो स्लोगन दिया है, वो लर्न फायर सेफ्टी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का स्लोगन था कि वे आग बुझाना सीखें, आग की सुरक्षा करना सीखें और अपना जो उद्योग है, व्यापार है, जो भी है उसमें इंक्रीज, उसमें बढ़ोतरी करें। और ऐसा हर साल भारत सरकार के आदेश आते हैं कि आप जगह जगह जाकर लोगों को अवेयरनेस करें, फायर के बारे में बताएं ताकि कोई नुकसान, माल का, जान का कोई नुकसान ना। सर, फरीदाबाद में इस टाइम कितनी फायर स्टेशन है और कितने मुलाजिम हैं? देखिए, फायर स्टेशन हमारे फिलहाल 4 संचालित हैं, 2 अभी नए बने, हैंडओवर हो गए हैं, बहुत ही जल्दी उनको चालू कर दिया जाएगा। गाड़ियां और स्टाफ हमारे को मिलने वाली हैं, हरियाणा गवर्नमेंट विद इन मंथ में या 2 महीने के अंदर अंदर उसमें फायर स्टाफ और गाड़ियां प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और फिलहाल हमारे पास 7 गाड़ियां अवेलेबल हैं जो चारों स्टेशनों पे, 2 स्टेशनों पे 2-2 हैं और 1 स्टेशन पे सिंगल है। तो सर, आप टोटल कितनी गाड़ियां हैं फरीदाबाद ज़िले में आग बुझाने के लिए? टोटल हमारे पास रेस्क्यू समेत 8 फायर गाड़ियां हैं और 6 फायर बाइक हैं। और सर, उसके बाद जब बड़ी आग लग जाती है तब? जब बड़ी आग लग जाती है तो सारी गाड़ियां 8 की 8 हम उन पर लगा देते हैं। और अगर दिखता है कि भाई हमारी पोजिशन उससे कंट्रोल से बाहर है तो हम जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है उनसे भी हम गाड़ियों को कॉल करते हैं, वो गाड़ियां पहुँच दे देते हैं हमारे को और पहुंचती हैं, उनकी मदद लेते हैं हम। जो 7 के ज़िले हैं उनको फ़ोन के माध्यम से गाड़ियां हम यहां बुला लेते हैं फायर पॉइंट पे।